हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल स्त्री वर्ल्ड। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई सुबह 5:30 बजे, क्योंकि आज संडे है तो मैंने थोड़ा देर तक सोना प्रेफर किया। और सुबह उठकर ही मैं कर रही हूँ ब्रश, और ब्रश करने के बाद मैं सीधे अपनी पढ़ाई में लग जाऊँगी। और नाश्ता बनाने से पहले मैं 1 से 1.5 घंटे की पढ़ाई अपनी पूरी कर लेना चाहती हूँ। और आज मैं सबसे पहले पढ़ाई करूँगी करेंट अफेयर्स। यहाँ मैंने अपना टाइमर ऑन कर दिया है और इसके बाद मैं करंट अफेयर्स पढ़ूंगी। करंट अफेयर्स मैं डेली नहीं देखती या वीकली भी नहीं देखती, मैं करंट अफेयर्स की मंथली वीडियोस देखती हूँ, और इसके लिए मैं परचम क्लासेस को फॉलो करती हूँ। अगर आप कंपटीशन की तैयारी करें तो आप परचम क्लासेस के बारे में ज़रूर जानती होंगी। ये मैम एक मंथ की करंट अफेयर्स 5 वीडियोज़ में प्रोवाइड करती हैं, तो मैं आज उनकी पहली वीडियो देख रही हूँ। और आज मैं करंट अफेयर्स में इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स एंड बुक्स एंड ऑथर्स लिख रही हूँ। और मैं क्या करती हूँ ना कि ऐसे उनकी वीडियोस देखते देखते सारे करंट अफेयर्स को नोट डाउन कर लेती हूँ। तो ऐसे क्या होता है कि एक बार जब आप वीडियो देख के और लिखते भी जाते हैं तो आपके बहुत सारे सेंसेस जो हैं आप पढ़ाई में इन्वॉल्व होते हैं, आपका दिमाग भी डाइवर्ट नहीं होता। और लिखने के बाद एक मेरे पास प्रॉपर नोट्स भी हो जाता है करंट अफेयर्स का, और तो इससे मुझे क्या होता है कि हल्का लर्न भी हो जाता है। और अब मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ली है, और इसके बाद मैं अपना टाइमर ऑफ कर दूंगी, और इसके बाद मैं कुकिंग प्रोसेस में लग जाऊंगी। और पढ़ाई करने के बाद मुझे बहुत ज़ोर से भूख लग रही थी, तो मैंने क्या किया कि मैंने चाय और बिस्किट खा लिए आज, जबकि आज संडे था और हर संडे को मुझे नहा कर ब्रेकफास्ट करना होता है, पर आज मेरे से गलती हो गई। मैंने बिना नहाए ही बिस्किट खा लिया। इसके बाद मैं किचन में थोड़ा बर्तन साफ़ कर रही हूँ, और आज मैं किचन में बना रही हूँ कद्दू की सब्जी, भिंडी, रोटी और दाल। आपने आज का थंबनेल तो देखा ही होगा। आज का थंबनेल हमारा है कि हाउसवाइफ इज़ नेवर ऑफ ड्यूटी। तो आज मैंने ये थंबनेल इसलिए रखा है क्योंकि हमारी ज़िंदगी भी बिल्कुल सैनिकों जैसी होती है। इनफैक्ट हमारी ज़िंदगी सैनिकों से भी थोड़ा हार्ड ही होती है, क्योंकि हर जॉब में लोग काम करते हैं क्योंकि उनको प्रमोशन मिलता है या फिर उन्हें एक्सपेक्टेड रहता है कि उनकी सैलरी बढ़ेगी अच्छा काम करने से। लेकिन हमारे जॉब में ऐसा कुछ नहीं है, हमें ना तो कोई प्रमोशन मिलता है और ना ही हमें कोई सैलरी मिलती है, फिर भी हम बहुत मन लगाकर और बहुत प्यार से सारा काम करती हैं, और वो भी 1-2 दिन नहीं, पूरे लाइफ टाइम। तो अगर आप हाउसवाइफ हैं तो अपने आप को अप्रिशिएट करें। इसके बाद मैं आप आ गई हूँ अपने रूम में, अपने रूम को अरेंज करूँगी। और आज संडे है तो संडे को मैं हर सारे छोटे छोटे काम कंप्लीट कर लेती हूँ, ताकि मुझे पूरे वीक इन सब कामों को करने की ज़रूरत ना रहे। क्योंकि मैं पूरे वीक पढ़ाई करती हूँ तो मैं ऐसे बहुत सारे काम को स्किप करती हूँ, और उन सारे कामों को मैं संडे को कंप्लीट करती हूँ। यहाँ देखिए मैं ड्रेसिंग आईना जो है वो साफ़ कर रही हूँ, और इसके बाद मैं अपना पलंग भी साफ़ करूँगी। और आपने मेरी लास्ट वीडियो में देखा था कि मैं एक वीडियो में ऐसे ही मतलब सफाई कर रही थी, तो उसके बाद मैं डायरेक्ट आज अपने सारे फर्नीचर को साफ़ कर रही हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं हर वीक करती हूँ, मैं ऐसे लगभग 1 महीने के बाद मैं दोबारा ऐसी सफाई कर रही हूँ। ये मेरा स्टडी रूम है, और मैं अपने स्टडी रूम को साफ़ रखती हूँ क्योंकि मुझे गंदगी में पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं है। और ऐसे आप अपने घर को साफ़ रखते हैं तो एक पॉजिटिव एनर्जी भी फ्लो होती है घर में, जिससे आपका मन लगता है बहुत ज़्यादा। सारे काम करने के बाद अब मैं आ गई हूँ सबको नाश्ता देने के लिए। और आज
आज मैंने सुबह में ये दाल प्रिपेयर कर लिया था ताकि मुझे दोपहर में ज़्यादा टेंशन ना हो। और यहाँ मैं अपनी दादी माँ के लिए ले जा रही हूँ। मेरी दादी माँ जो है वो 80 प्लस है एज में, तो वो इसी तरह के खाने खाती है, दाल रोटी दूध रोटी ऐसा। और यहाँ देखिए मैं नहा कर आ गई हूँ और अपना ब्रेकफास्ट कर रही हूँ, और साथ ही साथ मैं अपनी बहन से बात भी कर रही हूँ। कल मेरी बहन का बर्थडे है तो उसके लिए भी थोड़ा हम लोग डिस्कस कर रहे थे। और ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं यहाँ सुन रही हूँ बीके शिवानी, और ये मेरे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। आप अगर बीके शिवानी को फॉलो करती होंगी तो आपके यूट्यूब पे भी ये नोटिफिकेशन ज़रूर आया होगा रक्षाबंधन से रिलेटेड। तो ये एक रक्षाबंधन वाली वीडियो है और ये बहुत अच्छी वीडियो, प्लीज़ इसे देखिए। और मेरी ज़िंदगी जो इतनी मोटिवेटेड पीसफुल या मैं हर काम को अच्छे से कर लेती हूँ, उसके पीछे यही राज है कि मैं बीके शिवानी को फॉलो करती हूँ। और ये सिर्फ एक ही बात पे फोकस करने कहती है कि आप नेगेटिविटी से दूर रहें, और ऐसा ऑटोमेटिक होता है कि अगर आप नेगेटिविटी से दूर रहेंगी तो आपका एनर्जी लेवल हाई रहेगा। और इसके बाद आज मैं कर रही हूँ दे रही हूँ खुद को स्टडी चैलेंज, 6 आवर स्टडी चैलेंज, और इसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिख ले रही हूँ जो मुझे इन 3 दिनों में कंप्लीट करना है। और अगेन जो मेरा स्टडी चैलेंज है वो बिल्कुल सिर्फ 3 दिनों के लिए है, मैं उससे ज़्यादा का स्टडी चैलेंज कभी नहीं बनाती। इसके बाद मैं पढ़ रही हूँ हिमांशु सिंह की बुक से चैप्टर 1। तो पहले देखिए इस बुक को मैंने 1 to 7 कंप्लीट कर लिया है, इसमें टोटल 18 चैप्टर्स हैं। तो जब मैं 7 चैप्टर में थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं पीछे वाले कॉन्सेप्ट सारे मिक्सअप हो गए हैं मेरे, और मैं बहुत सारे क्वेश्चंस को जब ऐसे मेमोराइज़ कर रही थी या फिर रिकॉल कर रही थी तो मुझे वो क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं मतलब रिकॉल हो पा रहे थे। इसलिए मैंने सोचा कि मैं पहले हिमांशु सिंह के बुक से रिवीजन कर लूँगी और उसके बाद ही नेक्स्ट चैप्टर 8 में पहुँचूँगी। और यहाँ मैं पढ़ रही हूँ अब क्राउन पब्लिकेशन के बुक से एंशियंट हिस्ट्री। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मेरी एंशियंट हिस्ट्री जो है वो हो गई है कम्प्लीट, तो यहाँ मैं एंशियंट हिस्ट्री को दोबारा से रिवाइज़ कर रही हूँ। मेरी यही आदत है कि जब तक मैं किसी टॉपिक को अच्छे से एकदम बिल्कुल मेमोराइज़ नहीं कर लेती तब तक मैं नेक्स्ट टॉपिक पे नहीं बढ़ती हूँ। तो इसलिए मैंने 3 दिनों में सोचा है कि एंशियंट हिस्ट्री को फिर से रिवीजन करूँगी, उसके बाद मेडिवल हिस्ट्री पढ़ाई करूँगी। अब मैं यहाँ पढ़ रही हूँ इंडिया स्टडीज़ यूट्यूब चैनल से वर्ड मीनिंग। मैंने आपको बताया था कि मैं इनके यूट्यूब चैनल से हर दिन 10 वर्ड मीनिंग्स ऐड करती हूँ अपने नोटबुक में, तो लगभग मैंने 200 वर्ड्स लिख लिए हैं, और हर वर्ड के कम से कम तो मेरे पास 5 से 6 सिनोनिम्स हैं। और जब मेरा ये वर्ड मीनिंग वाला पूरा कम्प्लीट हो जाएगा वीडियो तो मैं आपको इसके नोट्स ज़रूर दिखाऊँगी। और इसके बाद मैं यहाँ पढ़ रही हूँ गगन प्रताप सर से HCF LCM। यूट्यूब पर इनकी टोटल 7 वीडियोस अवेलेबल है, 2 वीडियो मैंने पहले ही कंप्लीट कर लिया था और आज मैंने वीडियो 3rd और 4th कंप्लीट किया है। ये सर सच में बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, प्लीज़ इनको ज़रूर फॉलो करें। अब मैं पढ़ते पढ़ते बिल्कुल थक गई थी और मुझे बिल्कुल पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा था, तो अब मैं अपना वीडियो ऑफ़ कर रही हूँ और इसके साथ ही मैं अपना टाइमर भी ऑफ़ करूँगी। और आज मेरे साथ क्या हुआ ना कि जब मैं मैथ्स पढ़ने बैठी थी तो मैंने टाइमर जो है मेरा वो स्टॉप हो गया था और मैंने उसे कंटिन्यू रखना भूल गई थी मैं, तो फिर इसीलिए मेरे टाइमर में आपको 5.5 घंटे ही दिखा रहे होंगे, पर असलियत में मैंने 6.5 घंटे की पढ़ाई करी है। और मेरा बैटरी फ़ोन का बैटरी बिल्कुल डेड हो गया था तो मैंने उसे चार्ज पर लगा दिया है, और इसके बाद मैं दिया दिखाने चली जाऊंगी। पढ़ाई करने के बाद मैं बिल्कुल एग्जॉस्ट हो गई थी, मुझे बहुत ज़ोर की भूख लग रही थी, तो इसलिए मैं अभी यहाँ अपना इवनिंग स्नैक ले रही हूँ। A few moments later. इसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में, यहाँ दोपहर के सारे बर्तन पड़े हुए हैं और बहुत सारे बर्तन मुझे साफ़ करने हैं। बर्तनों को साफ़ करने के बाद मैं खाना बनाने के प्रोसेस में लग जाऊँगी,
और सच में पढ़ाई करने के बाद मुझे काम करने का बिल्कुल मन नहीं करता। पढ़ाई करने से भी बहुत इंसान थक जाता है, मैं तो बहुत थक जाती हूँ। और यहाँ पे मैं डिनर की तैयारी कर रही हूँ और इसके साथ ही मैं वीडियो को एंड करूँगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और प्लीज़ कॉमेंट, मुझे आपके हर लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।